हेलो लवलीज एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। सबको इस चीज़ के बारे में जानना होता है जैसे कि सिवियर काइंड ऑफ विंटर्स आ चुकी हैं और सबको होता है कि कौन सी अफोर्डेबल और अच्छी सी मॉइस्चराइजर हमें मिल जाए और हम जल्दी से उसको ले लें और हमारी स्किन क्रैक होने और पैचेस बनने और ड्राइनेस से बच जाए। तो उसके लिए जो मैं मॉइस्चराइजर्स यूज करती आ रही हूँ फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, और यू कैन से कि मैं इनको रीपर्चेज भी करती आई हूँ फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स एज वेल, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो इसमें मेरे पास अफोर्डेबल रेंज के भी हैं और कुछ थोड़े से अ लिटिल बिट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये सारे ही अफोर्डेबल हैं, मतलब यू कैन इजीली परचेज ऑल ऑफ देम एंड दे आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी और कौन किस तरह का वर्क करता है आपकी बॉडी के लिए, क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस विंटर्स में, और अलॉन्ग विद द प्राइस वो भी आपको मेंशन में होगा स्क्रीन पे, और आप कहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं सब कुछ। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए, डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द टू मोस्ट अफोर्डेबल जो मॉइस्चराइजर्स हैं और जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नीविया सॉफ्ट। ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल जो है तो मॉइस्चराइजर है एंड आई लव यूजिंग इट ऑन माई फेस एज वेल, क्योंकि ये फेस के लिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। बिफोर मेकअप आप इसको इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी जो छोटी पैकिंग है इवन एक इससे भी हमें छोटी मिलती है। सो दिस इज सो मतलब पोर्टेबल कि आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, और इतनी जबरदस्त है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और ज्यादा चिपचिपी नहीं है। मतलब इसका फॉर्मूला बिल्कुल ही हल्का सा जो मॉइस्चर होता है ज्यादा वाला, मतलब जो स्किन को आप कह सकते हैं कि जल्दी से जो अब्सॉर्ब होने वाला फॉर्मूला होता है उस तरह का ये है, ठीक है। तो आपकी स्किन को, बहुत सारी गर्ल्स को लाइक मी, उनको चिपचिपा वाले फाउंडेशन नहीं पसंद होते, सो दिस इज बेस्ट। अच्छा, और दिस वन इज रेकमेंडेड फॉर बोथ फॉर द ऑयली स्किन एज वेल, और ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और इवन दे कैन यूज इट ऑन देयर फेस एज वेल। और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो मैं हमेशा जब जैसे ही ये खत्म हो जाता है सो वी लव आई लव परचेजिंग दिस अगेन एंड अगेन। इसके बाद हम सेकंड की बात करें, सो वो है पॉन्ड्स का जो लाइट मॉइस्चराइजर है, और इस पर लिखा है कि नॉन ऑयली फ्रेश फील है फॉर सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन विद विटामिन इन एंड ग्लिसरीन। सो ये मेरा रिसेंट फेवरेट बना है क्योंकि मैंने अभी इसकी ये फुल बॉटल जो है तो मैंने खत्म कर दी है, तो अब मेरा ये फेवरेट बन चुका है। इससे पहले सिर्फ नीविया सॉफ्ट हुआ करता था फॉर द फेस, और अब मैं इसको भी फेस पर मैंने इसको यूज किया था, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और इतना मजे का है, इसकी स्मेल इतनी जबरदस्त है, और बहुत लाइट सी आपको इस तरह से जो पॉन्ड्स की जो एक टिपिकल जो हमेशा से उसके प्रोडक्ट की स्मेल है वो ही इसकी स्मेल है। और ये भी उसी तरह जो नीविया का फॉर्मूला है, तो तकरीबन बोथ ऑफ दीज मॉइस्चराइजर्स हैव द सेम फॉर्मूला और इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चिपचिपे फाउंडेशन सॉरी मॉइस्चराइजर्स नहीं है, दोनों बिलो 400 है, तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो वो है जॉनसन्स का जो बेबी लोशन है। अच्छा, ये मैं बहुत ज्यादा टाइम से यूज करती आ रही हूँ, और बस इसमें एक चीज है कि इसकी स्मेल मुझे थोड़ी सी हार्श लगती है, और दूसरी इसकी बात, हालांकि ये बेबी प्रोडक्ट है इतनी ज्यादा इसकी स्मेल हार्श नहीं होनी चाहिए थी बट है। और दूसरा जो इसका है कि ये थोड़ा सा ज्यादा आप इसको मतलब ये जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, रेस्ट दिस इज रियली नाइस रियली नाइस मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये बेबी की स्किन के फॉर्मूला पर बना है, सो ये बहुत जेंटल है स्किन के लिए, ठीक है। एंड यू कैन यूज दिस ऑल ओवर योर बॉडी टू प्रिवेंट ड्राइनेस, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट, बस थोड़ी सी मुझे इसके साथ जो मसला है कि मुझे इतना ज्यादा मतलब आप लगाते हैं फिर उसके साथ लगे होते हैं टू पेनिट्रेट द मॉइस्चराइजर इन टू द स्किन, सो इसमें थोड़ा सा वो वाला मसला है। फॉर द रेस्ट ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके बाद अच्छा, यू कैन यूज दिस वन फॉर द फेस एज वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉनसन्स बेबी ऑयल की, सो बिलीव मी गाइस दिस इज सच अ मैजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके इतने ज्यादा पर्पस हैं, नॉट ओनली द मॉइस्चराइजेशन बेबीज के लिए तो ये है, लेकिन ये एडल्ट्स इसको कैसे मतलब गर्ल्स इसको कैसे यूज कर सकती हैं मैं आज उस पर बात करूंगी। दिस इज अ मेकअप रिमूवर एज वेल, और ये जो है और भी मतलब ये मॉइस्चराइजिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, आप इसको फेस पे नहीं यूज करें, ठीक है, फेस पे मैं इसको नहीं यूज करती, लेकिन ये जो दिसंबर जनवरी वाले मंथ्स होते हैं तो इसमें मेरी स्किन बहुत जो एक्सट्रीम वाली ड्राइनेस काज होती है, तब मैं आई यूज दिस ऑयल फॉर माई बॉडी, और दिस इज सच मॉइस्चराइजिंग ऑयल यू कैन से, ये आपकी बॉडी को इतना जबरदस्त तरीके से मॉइस्चराइज करता है कि बिलीव मी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आपका, आपने अगर इससे हाथ पैर को मतलब लगाया है तो वो उसी तरह मॉइस्चराइज रहते हैं। सो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट इन सीवियर विंटर्स। के बाद हम बात करें पेट्रोलियम जेली की, सो दिस इज अ विंटर एसेंशियल। मैं कहती हूँ कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो विंटर इसके बगैर गुजारता हो, ठीक है। ये ऑल इन वन ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है, अगर आपकी हील्स बढ़ जाती हैं, आपके लिप्स पैची हैं,
आपकी गर्दन वगैरह पे या और जो बॉडी पार्ट्स हैं, इवन आपकी ये जो अक्सर हाथों और जो ये नक, ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो नेल्स का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसकी अक्सर बहुत ज्यादा ये बढ़ जाती है और ड्राइनेस हो जाती है। सो ये उसके लिए मतलब ये तो होना ही होना चाहिए इन द विंटर्स टू प्रिवेंट लाइक द एक्सट्रीमली ड्राइनेस। फ्रॉम माई साइड दिस इज सुपर रिकमेंडेड, ये तो जरूर होना चाहिए इन विंटर्स। अगर आप इसको रात को अपने एड़ियों पे और पाँव पे यूज करते हैं, बिलीव मी गाइस, इट वर्क्स इन लाइक 2 डेज। और आपकी जो जितनी भी पटी पटी हुई जो हील्स होंगी या आपके स्किन जो पट जाती है ज्यादातर ड्राइनेस से, ये इसको हील करता है बहुत ही जल्दी। मतलब लाइक इन 24 आवर्स आपकी हील्स काफी हील्ड नजर आती हैं। इन द एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय मोस्ट फेवरेट निविया 48 आवर्स वाला, जो इनकी जो रेंज है निविया की। ये इसके पहले मैंने इसकी ब्लू वाली बॉटल यूज करी थी, अब मैं इसमें ये मैंने बदल लिया है, लेकिन इस पे इसकी ये वाली जो 48 आवर्स वाली रेंज निकाली है, ओह अल्लाह, दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन 48 आवर्स जिस तरह ये करता है ना, मैं कहती हूँ 50 आवर्स तक आपके वो जो बॉडी पार्ट है वो उसी तरह मॉइस्चराइज रहता है। इसकी हाइड्रेशन इतनी जबरदस्त है, इतनी ज्यादा इसकी हाइड्रेशन जबरदस्त है। आई लव दिस प्रोडक्ट। ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन दिस इज वर्थ बाइंग, ठीक है? तो अगर किसी को मेरी तरह उनके ड्राई स्किन का बहुत ज्यादा इश्यू है, तो आप इनमें से कोई भी अपने लिए रख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि फॉर द फेस यू कैन बाय एनी वन इन दीज टू, या आप निविया सॉफ्ट खरीद लें फेस के लिए या पॉन्ड्स खरीद लें, ठीक है? बहुत ही जो आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए जो बहुत ज्यादा ड्राइनेस काज हो जाती है, ये हील्स या पाँव जैसे भी हाथों के लिए, आप इनमें से कोई सा एक ही बाय कर सकते हैं। एंड द बॉडी लोशन आप इनमें से एक परचेज कर लें, आइदर जॉनसन आइदर निविया, इट्स टोटली अप टू यू। सबकी जो प्राइजेस वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो तो सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रख लिया करें, मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियोज देखना पसंद है। सो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज काइंड ऑफ वीडियोज। सो दैट्स इट अबाउट टुडे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।